सदन के नेता के रूप में, इस प्रदेश के समावेशी विकास के लिए सभी दलों को साथ लेकर उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए उनका योगदान रहेगा और देश के अंदर उत्तर प्रदेश सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक नया युग शुरू करेगा। मैं इस मौके पर हमारे विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना जी को भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में अपना दायित्व संभाला है। उनका राजनीतिक, संसदीय एक दीर्घ अनुभव रहा है। मुझे आशा है इस अनुभव का लाभ सभी माननीय विधायकों को मिलेगा और उनके सतत मार्गदर्शन में ये विधानसभा अपने पूर्व अध्यक्षों के रूप में एक गौरव को अनुभव करेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर 47 से ज्यादा माननीय महिला विधायक, 128 से ज्यादा माननीय नए विधायक और 200 से ज्यादा फिर चुनकर आए विधायक, उन सभी माननीय विधायकों का जो 18वीं विधानसभा के अंदर चुन के आए, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे आशा है सभी माननीय विधायक इस गौरवशाली विधानसभा की परंपराओं को, उच्च मर्यादाओं को, गरिमा को बनाए रखेंगे और किस तरीके से सामूहिक रूप से मिलकर इस उत्तर प्रदेश का समावेशी विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, उसके लिए अपना योगदान निश्चित रूप से देंगे। साथियों, हम आजादी की 75 वर्ष की इस लोकतंत्र की यात्रा से गुजर रहे हैं और इस 75 वर्ष की इस लोकतंत्र की यात्रा में हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है, जनता का विश्वास भरोसा हमारे संसदीय लोकतंत्र के प्रति और बढ़ा है और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की विधानसभा जो शायद विश्व की सबसे बड़ी राज्य की विधानसभा होगी, इस विधानसभा के अंदर निश्चित रूप से यहां के नेताओं ने, यहां से निकले हमारे प्रधानमंत्रियों ने इस देश का गौरव सम्मान बढ़ाया है। ये प्रदेश वो प्रदेश है जहां पर वर्तमान प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश के हैं और 9 से ज्यादा प्रधानमंत्रियों ने इस देश का नेतृत्व किया है। इसलिए राष्ट्रीय राजनीति के अंदर भी उत्तर प्रदेश की हमेशा विशेष भूमिका रही है और उत्तर प्रदेश विधानसभा की भी सभी विधानमंडलों के मार्गदर्शन में विशेष भूमिका रही है। मैं इस मौके पर सतीश खबर नोएडा।